नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके घर आने वाले हैं तीन बड़ा देवता। जी दोस्तों, अब आपके जीवन काल पर वह चमत्कार होने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी दोस्तों, परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि दुख यारों के दुख कौन हरता है, जीवन काल में सुख आखिर कौन देता है, जीवन काल में सभी दुश्मनों का घमंड कौन तोड़ता है। दोस्तों वो है भगवान। जी दोस्तों, और यशमय वही भगवान आप सभी के जीवन काल पर आने वाले हैं, आपके छोटे छोटे कष्टों को हरने, आपके जीवन काल की परेशानियों को दूर करने, पिछले समय के मेहनत का फल देने, तमाम जीवन की ऐसी चीजें जिनसे आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, उन सभी के लिए यशमय भगवान बहुत ही बड़ा वरदान आपको देने वाले हैं। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे चमत्कार बार बार नहीं होता, भगवान हर बार किसी घर नहीं आते। लेकिन दोस्तों यश में आप सभी के जीवन काल पर कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आप इन देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, आखिर आपको कौन से उपाय करने हैं, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, और यह देवता के आने के बाद आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। दोस्तों तमाम जानकारी इस वीडियो में बहुत ही गंभीर तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित बताए गए हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ शनिदेव और भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से तीनों का नाम लिख दें। भगवान श्री कृष्ण, महादेव और शनिदेव आपके जीवन की सभी कष्टों को हर लेंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से श्री कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने कहा, प्रभु यह घर तो आपका है। श्री कृष्ण ने बोला, ये गाड़ी किसकी है? भक्त ने कहा, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता है, आपकी। यहाँ तक घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा तब भी वह यही जवाब देते हैं कि ये सब आपके हैं। पूछा, तेरा शरीर किसका है? भक्त बोला, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि ये किसकी है? भक्त के आंखों में आंसू आए, बोला, सिर्फ यही मेरा है, बल्कि सब आपका है भगवान। तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, तेरा पिंड और तेरा प्राण, प्रभु सब कुछ तेरा है, बस तू ही एक मेरा है। ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त का यह बात अगर आपको अच्छा लगा हो, इन पर यकीन हुआ हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं, आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से तीन बड़े देवता आने वाले हैं और कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके आ जाने से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी खुशखबरियां आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारे जीवन काल में भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। हमारे जीवन काल की समस्याएं जब हद से ऊपर हो जाती है, जब हमें कोई व्यक्ति ज्यादा जुल्म देने लगता है, जब हमसे हमारी समस्याओं का हल नहीं होता, मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, चारों ओर अंधकार दिखने लगता है, तो दोस्तों वर्ष में हमें यह बात माननी चाहिए कि यह हमारे लिए परीक्षा का समय है और ईश्वर हमारा परीक्षा ले रहा है। और दोस्तों आपने देखा है कि पिछले समय कितने दुख दर्द आपको मिले हैं, कितनी समस्याओं का आपने सामना किया है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप घबराए नहीं, यही तो परीक्षा है। जी दोस्तों, और इस परीक्षा में आप बखूबी पास हो गए हैं और यश में ये भगवान आपके घर आने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि आने वाले शिव में आप शिव के जीवन काल में अगर कोई गौ माता आ जाए तो दोस्तों इन्हें आपको भगवान का रूप मानना है। जी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का रूप मानना है। अगर आपके जीवन काल में कोई भी पक्षी आ जाए तो दोस्तों इन्हें आपको माँ लक्ष्मी का रूप मानना है, क्योंकि दोस्तों भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इन देवी देवी देवताओं को दिल से प्रणाम करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके जीवन काल में कोई भी काला कुत्ता आ जाए तो दोस्तों इन्हें आपको भगवान शनिदेव का रूप मानना है और दोस्तों इन्हें आपको पहचानना है और इनको कुछ अवश्य खिलाना है।
जहाँ तक हो सके इनका आपको आदर करना है। दोस्तों जीवन काल में और कुछ नहीं है, भगवान ही है जो कि हमारे कष्टों को हरते हैं। जो दोस्तों लोग तो सिर्फ कहने के लिए हैं, लेकिन दोस्तों भगवान है जो कि कहते नहीं, सिर्फ किसी ना किसी रूप में आकर हमारे जीवन काल की समस्याओं को हर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बस करना क्या है, आने वाले समय में जब भी आपके घर के आसपास या फिर आपको कहीं ऐसी चीज जिगदाए जिनमें आपको भगवान का रूप दिखने लगे, तो दोस्तों तुरंत ही आप उसे प्रणाम कर ले और ईश्वर से अपनी सारी दुख दर्द को सुना दें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमारे सारे कष्टों को हर ले। हमारे जीवन काल में ये परेशानियां हैं जो कि हमें बहुत ही ज्यादा दुख दे रही है। दोस्तों आपके जीवन काल में जितनी भी शिकायत है आप वश में सर पकड़कर सिर झुकाकर ईश्वर से यह कह दे। यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन काल की सभी परेशानियां तुरंत ही हल कर देंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बेशी की साथ बात करते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, कौन कौन सी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है जब ये तीन बड़े देवता आपके घर पधारेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों यशो में धर्म तथा अध्यात्म के प्रति आपका आस्था रहेगी, आपका प्रभावशाली तथा सकारात्मक व्यक्तित्व तो दूसरों के लिए यशो में उदाहरण बनेगा। यही स्वभाव आपके कार्य क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में भी आपका मदद करेगा। युवा वर्ग जो है गंभीरता से अपने जीवन के मूल्यों को समझेंगे। दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कुछ व्यक्तिगत कार्यों में अनचाहे कारणों की वजह से विघ्न भी पड़ सकता है, परंतु दोस्तों यश में धैर्य और संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों बच्चों की किसी समस्या के निवारण में आपका सहयोग जरूरी होगा। कि दोस्तों यश में गलत प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल ना रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों के बारे में हम किस व्यक्ति के साथ बात करते हैं इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है। दोस्तों आपके द्वारा कही गई बातों का इस्तेमाल आपका नाम खराब करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों यश में आप किसी पर भी विश्वास ना रखें। जिन लोगों के साथ आप मन मुटाव किए हैं दोस्तों वह लोग ही आपके यश में नई दिक आने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका कर्म तथा पुरुषार्थ आपके लिए काम में सफलता और उपलब्धि भी आपको प्रदान करेगा। दोस्तों यश में अपने दिमाग की अपेक्षा दिल की आवाज को सुने। दोस्तों किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए जो समय है आपके लिए अनुकूल होंगे। दोस्तों घर की साज सजा अथवा सुधार संबंधी कार्यों पर भी समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी अधिकतम काम की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। घर की समस्याओं का हल ढूंढने में पारिवारिक जनों का सहयोग भी आप अवश्य लें। दोस्तों यह समय भाइयों के साथ भी मधुर संबंध बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों कुछ अनबन होने की भी आशंका हो रही है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे मानसिक तकलीफों का सामना करते वक्त आपको जो है दूसरों से ज्यादा खुद के विचारों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में दिन के अधिक वक्त जो है खुद को बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल करें। मनचाही बातों में प्रगति न देख पाना आपके लिए दुख पैदा कर सकता है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति का सामना डटकर करना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे पिछले कुछ कमियों से सीख कर अपने दिनचर्या में और अधिक बेहतर सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें दोस्तों आप कामयाब भी रहेंगे। प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय व्यतीत करना आप में जो है सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। दोस्तों यह समय रुके हुए जो भी आपके काम है वह उचित समय पर पूरे भी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्ति के या फिर अनुभवी लोगों की सलाह लेने से आपको संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह समय उनका मार्गदर्शन व फिर सहयोग आपके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। परंतु दोस्तों नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ आपके लक्ष्य को यश में भटका सकता है, तो दोस्तों इनसे आप दूर ही रहने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में जिस काम से आपको मन की शांति प्राप्त होती है उसी काम को करने पर अधिक ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। करीबी मित्र द्वारा आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकता है। परिवार से यश में ज्यादा जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में युवाओं को कोई विशेष संधि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आपको मिल रहे अवसर का चुनाव करते समय अधिक सतर्कता रखने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जैसे होंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन को संपन्न करने की योजनाएं बनेंगी। यश में ग्रह गोचर आपके लिए कुछ नई उपलब्धियों का निर्माण भी कर रहा है, जो कि दोस्तों भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों परिवार में प्रसन्नता का माहौल भी रहेगा,
परंतु दोस्तों यश में कुछ अचानक ही बड़े खर्चे सामने आएंगे और दोस्तों यश में अपना जो है बजट बनाकर रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दोस्तों कोई बड़ी समस्या भी आपके सामने आ सकती है। परंतु अपने शुभ चिंतकों से यश में इस विषय पर विचार विमर्श करने से उचित हल भी आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों अपने वहम और अपने गुस्से पर यश में आप काबू रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इस उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, व्यक्तिगत बातों के बारे में किसी काम को जो है आप बार बार शून्य से शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वजह से आपका उस बात के बारे में उत्साह खत्म हो रहा है। परिस्थिति से हार ना माने और दोस्तों कठिन समय में भी उनका डट कर मुकाबला करने की कोशिश करें, परिस्थिति में बदलाव जरूर आए।